हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं स्मोक रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, और आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं वो भी हम देखेंगे। इसमें आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम स्मोक रीडिंग लेकर आए हैं। तो स्मोक रीडिंग में हम पहले प्रे कर लेते हैं। आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल यूरियल, आर्क एंजल एरियल, आर्क एंजल सैंडलफन, आर्क एंजल गैब्रियल, प्लीज़ मेरी मदद करिए कि मैं अपने व्यूअर्स को सही से गाइड कर सकूं, उनकी जो भी क्वेरीज हैं मैं उनको कंप्लीट कर सकूं, उनके आंसर दे सकूं, और जो उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मेरे ऊपर बरकरार रहे, मैं उनको सही से गाइड कर सकूं, इतना मुझ में सामर्थ्य दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके लिए मैसेज देखना चाहूँगी। तो मैसेज में यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हैं और आपको अपने आप को हील भी करना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपको बहुत तक कष्ट हुए हैं, इसलिए आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और आप में इतनी सामर्थ्य है, आप में इतनी क्षमता है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को गाइड करना ना भूलें, हमेशा आप लोगों को गाइड करते रहिए। अभी जो सिलसिला चल रहा है वो आपके अवेकनिंग का सिलसिला है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना चाहिए कि यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए, और यूनिवर्स वैसे भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्यार जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आपको प्यार जरूर मिलेगा। आपको अपने एक्सपीरियंस से सीख करके आगे बढ़ना है। आपको अगर कोई आप कोई वर्क करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस मिले हैं उसके बेस पर आप आगे बढ़िए। ये यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है कि यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप अपने लर्निंग को जारी रखिए, यानी कि आप सीखते रहिए, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जिन भी चीज़ों की, जैसे कोई बुक आपको खरीदनी है, परचेज करनी है, कोई गूगल से आपको सर्च करना है, तो आप वो भी करिए और लोगों को गाइड करिए, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आगे बढ़िए और सीखते हुए आप लोगों को भी गाइड करिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अभी तक जो आपकी पेनफुल साइकिल थी वो एंड हो रही है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हर एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होती है, इसलिए यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि अभी आप ज़्यादा उदास ना हों, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी उथल पुथल हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपको फेस करनी पड़ रही है, वो सब अभी एंड की तरफ जा रही हैं। अभी जो है आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी हर एक पर्सन को लेकर के, या आपके पर्सन को लेकर के, या आपके पार्टनर की फैमिली को लेकर के, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहे थे बार बार, वो भी आपको उनका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि आपको पास्ट को जो है हील करते हुए और लेट गो करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। अभी तक आपने बहुत दर्द देखे, बहुत दुख देखे अपनी लाइफ में, इसलिए याद रखिए कि अभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी यूनिवर्स बताना चाहता है कि प्यार जो है वो रियल है। ठीक है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स तो होंगे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज भी देना चाहता है कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आपका हाथ पकड़े हुए हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, तो थर्ड पार्टी का जो मैंने कल रीडिंग की थी, और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को रेजोनेट भी हुई है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि सभी मेरे व्यूवर्स सेम पेज पर नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों को रेजोनेट होगी वो रीडिंग और कुछ लोगों को नहीं भी होगी, क्योंकि अभी उनकी जो है लोअर चक्रा में एनर्जी है। ठीक है, और वैसे भी 3D में वो मोस्टली सर्वाइव कर रहे हैं, 3D प्लेन में। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिनकी एनर्जी 5D में शिफ्ट हो चुकी है, मोस्टली वो एनर्जी उनसे मैच होगी। कल मैंने रीडिंग की थी और परसों जो मैंने रीडिंग की थी वो उनसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के मैं जो है कमेंट पढ़ती हूँ कि मैम ये सब बकवास है, झूठ है, तो ऐसा नहीं है, रीडिंग कोई भी झूठ नहीं है,
ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैम जो टैरो की रीडिंग होती है वो सिर्फ एंटरटेन के लिए होती है, तो ये एंटरटेन की कैटेगरी में यूट्यूब ने लगा रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टैरो की रीडिंग सिर्फ एंटरटेन के लिए हो तो लोग हमारे से रीडिंग क्यों करवाते हैं, पर्सनल रीडिंग क्यों करवाते हैं, और उनके एक्यूरेट भी जाती है। मैंने बहुत सारी रीडिंग की है, कई महीनों तक मैंने रीडिंग की है पर्सनल रीडिंग, लेकिन अभी मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था और आप के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और कुछ आप देखेंगे कि मेरे नाम से कमेंट करते हैं कि आप कांटेक्ट करिए, नंबर्स पर नंबर दिए जाते हैं, मेरा नाम लिखा जाता है और मेरी फोटो भी होती है। ठीक है, आप इन लोगों से दूर रहिए क्योंकि मैं अभी पर्सनल रीडिंग मैंने बंद कर दी है। जब परमिशन मुझे मिल जाएगी तब मैं जो है पर्सनल रीडिंग करूंगी। वैसे मेरी 101% जो है पर्सनल रीडिंग एक्यूरेट निकली है। दो दो तीन तीन दिन बाद मुझे पेमेंट की है, मेरे व्यूवर्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया है और मैंने भी उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, और तब उन्होंने दो दो तीन तीन दिन बाद पेमेंट किया है। पहले उन्होंने मेरे से रीडिंग ली कि देख लेते हैं थोड़ा बहुत पेमेंट करके, उसके बाद में उन्होंने दूसरे दिन तीसरे दिन पेमेंट की है और पूरी कंप्लीट पेमेंट की है। ऐसा नहीं है कि नहीं की है, मैं तो ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाऊंगी कि मेरी पेमेंट किसी ने नहीं की है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो मुझे तो ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जैसे कुछ गड़बड़ चल रही है। अब जो लोअर एनर्जी में हैं उनके पार्टनर के साथ में और उनके साथ में तो अभी ठीक नहीं चल रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि जिनकी एनर्जी लो है और अभी वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और करना और भी बाकी है, तो उनकी एनर्जी में बताना चाहूंगी कि अभी उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स तो काफी एफर्ट्स लगाते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और कुछ मेरे व्यूवर्स निकल भी आए होंगे थर्ड पार्टी से बाहर, जैसे फैमिली मेंबर्स हैं उनसे, और वो आप जो है सेपरेट भी रहने लग गए होंगे उनसे। मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है वही मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि गाइस कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ तो ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी कर रही है। अभी मून का भी इफेक्ट आता है लाइफ में, जब फुल मून और न्यू मून का, तो उससे भी जो है कुछ फर्क पड़ता है कि लोग जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जादू टोना करने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन के ऊपर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ जादू टोना तो किया गया था पहले भी और अभी भी कोशिश जारी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि 1-2% लोगों का कि वो जादू टोने से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहे हैं, वो इस टाइप का किया गया था जैसे कुछ खाने में थोड़े टाइम के लिए खिलाया जाता है तो वो थोड़े टाइम के लिए ही कंट्रोल होते हैं। तो ऐसे लोग जो है जो उनसे थोड़ा दूर रहने लग गए हैं और उनके खाने की चीजें कम खाते हैं, कम यूज करते हैं, जैसे कोई अपने वर्क प्लेस पर दूर चले गए हैं, कोई डेली अप डाउन करते हैं या फिर कभी आपके पास आ जाते हैं, तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो उसका असर कम भी होता है। तो उन लोगों की मैं बात करूं तो उनके ऊपर तो असर अभी कम होने लगा है, और कुछ लोगों के लिए अभी भी जो है वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपके पर्सन के सबसे पहले साइन बताना चाहूं तो आपके पर्सन जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर जो है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या टोरस वर्गो कैप्रिकॉन। मुझे स्ट्रांग साइन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन के ये सन मून वीनस साइन भी हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि आप दोनों जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर, कुछ लोग सोलमेट जर्नी पर भी हैं और कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं। मैं यहाँ पर ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को गाइस सबसे ज्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खाने में खिलाया जाता है। ठीक है, और आपके पर्सन काफी काम भी करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थर्ड पार्टी में उठा रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन आपको मिलने के लिए आते हैं, आपके पास में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर चले जाते हैं, और इसका जो है थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये पर्सन वहाँ पर क्यों जाता है या जाती है। ठीक है, इसी वजह से वो उसको समय समय पर कुछ ना कुछ खिला देते हैं। जब कभी नहीं खिला पाते हैं कुछ टाइम के लिए तो उसका असर थोड़ा कम होना शुरू जाता है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पर्सन के एनर्जी में चेंज भी देखा होगा। वो ट्रिक चलते रहते हैं थर्ड पार्टी, कोई ना कोई चीज चलते रहती है, जैसे कि कभी तो उनका ब्रेन वॉश किया, कभी उनको खाने में कुछ खिलाया, अगर खाने में कभी नहीं खिला पाए तो कभी उनको पास बैठ करके कुछ उल्टा सीधा भरते रहते हैं, ब्रेन वॉश करते रहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा होता है।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गैस कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, दो नाव में जो पाव रखकर चल रहे हैं उससे हटना तो चाहते हैं, एक नए विजन से अपनी लाइफ को देखना तो चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो है उनको बार बार जो है आपके बारे में उल्टा सीधा भरती है, ब्रेन वॉश करती है, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस थर्ड पार्टी से। अब कोई जैसे आपके साथ में टाइम स्पेंड किया था पहले उन्होंने, तो वो भी बातें उनको याद आ रही हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स जो है कोशिश कर रहा है कि उनको उस स्थिति से बाहर निकालें, क्योंकि ये फेजेस और साइकिल होते हैं, उनका एंड भी होता है, तो कुछ टाइम के बाद में उसको बाहर निकलना भी होता है, लेकिन कभी कभी बंदा बाहर नहीं निकल पाता है, तो यूनिवर्स भी उसकी मदद करता है, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स यहाँ बैठे बैठे उनके लिए प्रे कर रहे हैं और बहुत दुआएं कर रही हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो उसका असर भी यूनिवर्स के ऊपर जाता है और यूनिवर्स उनको मदद कर रहा है वहाँ से निकलने में। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान तो मेरे को कुछ देता ही नहीं है, मैं तो मांगता रहता हूँ, मांगती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी स्लो प्रोसेस हो सकती है। देखिए हम इंसान हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ कि हम लोग कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, मैंने 6 महीने पहले, सपोज करो कि 6 महीने पहले मैंने प्लानिंग की और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो सोचिए इंसान है वो, इंसान का माइंड कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अब इतने साल जब आपसे दूर रहे हैं तो वहां से निकलने में इतना जल्दी तो वो नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, धीरे 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 वो अपना रास्ता बना रहे हैं, धीरे धीरे उससे बाहर निकलेंगे। अब आप ये कहेंगे कि 2 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, देखिए गाइस मनुष्य की एनर्जी चेंज होती रहती है। अब आप अपनी देख लीजिए कि कभी आप बहुत गुस्सा होते हैं, कभी आप बहुत शांत जाते हैं, एक ही पल में शांत जाते हैं, एक ही पल में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसा ही सबकी एनर्जी से आप देख लीजिए कि वो भी इंसान ही है, सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है आपके पर्सन, तो वो भी सोच रहे हैं और उनको भी धीरे धीरे मैंने बताया कि रियलाइज हो रहा है और आपके बारे में वो समझने लगे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, सोलमेट जर्नी पर हैं, कई जन्मों का हमारा साथ है, इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचने लगे हैं, वो भी पूरा हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते, मतलब इस थर्ड पार्टी से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पार्टनर फैमिली मेंबर्स के साथ में फंसे हुए हैं वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो उनकी मदद कर रही हैं और एंसेस्टर भी उनकी मदद कर रहे हैं कि किसी तरह से ये यहाँ से बाहर निकले, इसकी अपनी लाइफ हो, वो अच्छे से जिए, जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आया है उसको भी जिए, उसके लिए भी कुछ कर्म करे, अपने पार्टनर के साथ भी रहे, अपने बच्चों के साथ भी रहे, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, वाइब्स आ रही हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि गाइस थर्ड पार्टी को इस बात की तो पूरी वो है कि ये पर्सन जो है ये चेंज हो रहा है, इसको भनक लग रही है और इसी वजह से आपके पर्सन को बार बार खाने में कुछ खिलाती है, ठीक है, या फिर जादू टोना वैसे करवाती है कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर, तो जैसे झाड़ फूक करते हैं इस तरह के वाले बंदे के पास जाकर कि वो कुछ जादू टोना करवाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि अभी जिनकी लो एनर्जी जो अभी तक 3D में ही है और 4D और 5D में एंटर नहीं की है जिन्होंने, वो अभी भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और जो 5D में एंटर कर चुके हैं थोड़ा सा और स्पिरिचुअल हुए हैं, थोड़े से आप भी स्पिरिचुअल हुए हैं, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, तो उसका इफेक्ट भी आपके पार्टनर के ऊपर जाता है, आपने दुआएं मांगी हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है, तो उसका असर भी आपके पर्सन के ऊपर जाता है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन अभी आपके पास आ सकते हैं, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं ले सकती कि 2 महीने में आएंगे, महीने में आएंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में आएंगे, क्योंकि कभी कभी बंदा बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, कभी कभी बंदा बहुत टाइम लगा देता है, हर एक इंसान के अपने के वो है कि भाई सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, कोई इंसान बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, कोई लेट लेता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन अभी चेंज तो हो रहे हैं, कुछ ट्रिक चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को इस बात की पूरी भनक लग जाती है कि थर्ड पार्टी को समझ में आ जाता है, उनकी हाव भाव देखते हैं तब, लेकिन वो थर्ड पार्टी में और आप में बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रही ताकि इनको महसूस ना हो कि मैं बदल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे अपने पर्सन की तरफ जाना है, ऐसा महसूस ना हो, इस तरह से आपके पर्सन काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनको ये दिखाए नहीं कि मैं अपने पार्टनर को लाइक करता हूँ या उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है, ठीक है, और आपके पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं वहाँ पर और बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं,
और उनको भी थोड़ा सा जो है एहसास करा रहे हैं कि मैं आपके पास ही हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाला, इस तरह का एहसास भी कराते हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको गाइडेंस दे रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग पिछले जन्मों में साथ थे और अभी भी साथ हैं, आपको एक साथ काम करना है, एक साथ जो है कर्म करनी है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर जो है ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ बेटर क्यों नहीं हो रही है, इस तरह की जो है उनकी मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है वो एडवेंचर करना चाहते हैं, आपके साथ में वही पल जीना चाहते हैं जो पास्ट में कभी एक साथ में उन्होंने बिताए थे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहते, जैसे आज हमने खा लिया पी लिया ऐश मार लिया, कल की कल देखी जाएगी, इस तरह की जो है आपके पर्सन की सोच हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर की। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही है और मुझे यहाँ पर ये भी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे बात कर सकती हैं, आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल सकते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहता हूँ। और मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है कि गाइस की ये साइकिल एंड करेंगे स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, यूनिवर्स ये साइकिल को एंड करना चाहता है जो थर्ड पार्टी में है और इसीलिए उनके माइंड की सेटिंग को चेंज कर रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन के माइंड में सोचने समझने की क्षमता जो है वो चेंज होने लगी है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन का माइंड जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी आते होंगे तब, या फिर आपके पास रहते होंगे फैमिली और आपके पर्सन, और तो आपने भी देखा होगा कि उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है और उनके माइंड को जो है चेंज करने लगा, क्योंकि पास्ट का था ना जो पिछले जन्मों के कर्म थे उनके अकॉर्डिंग उनके माइंड की सेटिंग कुछ और थी और अभी धीरे धीरे वो क्लींज हो गए हैं, साइकिल कंप्लीट हो गई है, उन्होंने अपने कर्मा कर लिए हैं, इसी वजह से उनके माइंड की सेटिंग को चेंज किया जा रहा है कि अभी वो आपके साथ में आगे के कर्म करेंगे, इसीलिए उनके माइंड की सेटिंग को चेंज किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। मैं यहाँ पर ये भी वाइब्स फील कर पा रही हूँ कि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास आना चाहती हैं, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते होंगे कि आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी के हैं, बहुत ज़्यादा जो है मदद करने वाले हैं, आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हैं, काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं, आप लोगों की मदद करती हैं, आपने उनकी भी मदद की है, उनकी फैमिली की भी मदद की है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि गाइस ये सब चीज़ें आपके पर्सन को याद आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको अभी खुशी देना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि भाड़ में जाए थर्ड पार्टी, भाड़ में जाए मेरे पर्सन, मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे वो पर्सन नहीं चाहिए, मुझे अब उसके साथ नहीं आगे का फ्यूचर देखना है, मुझे उसके साथ ज़िंदगी नहीं जीनी है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रही है कि आप मेरे व्यूवर्स ऐसा भी जो है सोच रहे हैं कि अब वो कभी भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उसके साथ आगे का टाइम नहीं जीना है, आप ऐसा सोच रहे हो। तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पता नहीं ओपन अप होंगे कि नहीं, पता नहीं आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं आप मेरे साथ पहले जैसे रहेंगे कि नहीं, इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मैं यहाँ पर ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि गाइस की वो अभी आपको प्यार देना चाहते हैं, रोमांस आपके लाइफ में आएगा, आपको जो है खुशियां मिलेंगी, आपके पर्सन को उसकी चाबी दे दी है, खुशियों की चाबी दे दी है यूनिवर्स ने कि अभी आप अपनी लाइफ में खुशियां ला सकते हैं, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स ने भी काफी जो है बुरे दिन देखे हैं, काफी कर्मास अपने क्लियर कर लिए हैं और आपके पार्टनर ने भी कर्म अपने क्लियर कर लिए हैं, आपने कोर्ड कटिंग कर ली होगी, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन किया होगा। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आप तो थर्ड पार्टी से निकल आए थे लेकिन आपके पर्सन अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को जो है अभी बहुत खुशी भी हो रही है अंदर ही अंदर कि मेरा छुटकारा उनसे थर्ड पार्टी से हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है कि वहाँ पर उनका दम घुटने लग गया थर्ड पार्टी में, वो अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको ही अपना पार्टनर देखते हैं, अच्छा कंपेटेबल पार्टनर देखते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है कि आप जो है कभी कभार वो आते होंगे तो आप उनसे ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करते होंगे, इसलिए वो कहते हैं कि पता नहीं मेरा पार्टनर जो है मेरे लिए ओपन अप होगा कि नहीं, पता नहीं उसका हर चक्रा मेरे लिए ओपन होगा कि नहीं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है कि गाइस कि वो इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप से एक साइकिल को कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि यूनिवर्स उनको जो है बैक सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, इसी वजह से वो साइकिल को कंप्लीट करने की सोच रहे हैं।
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप मेरी वर्ष की लाइफ में खुशी आ जाएंगी। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, इतने दिन वेट किए हैं तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि मैंने बताया था कि जून मंथ में बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन होगा और जुलाई मंथ भी आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। तो मैंने रीडिंग की थी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है लंबी हो गई थी क्योंकि सारी डिटेल्स देखनी पड़ती हैं और आधी अधूरी नॉलेज क्या लेना है, ठीक है। तो मैंने उसमें काफी कार्ड निकाल करके आपके लिए अच्छे से रीडिंग की थी, वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 2 मंथ की रीडिंग भी आप देख सकते हैं और मेरे चैनल पर बहुत सारी कर्मा से रिलेटेड रीडिंग्स है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आरके मोटिवेशनल किंग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप एक्सप्लोरिंग द इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको बुद्धा से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप विजडम ऑफ बुद्धा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मंत्रा से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आत्म ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो स्किन हेयर एंड हेल्थ प्रो टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रिजल्ट ही रिजल्ट, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।